नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना वीर सुख ब्लॉग चैनल से सुख हवलदार सभी को जय हिंद, राम राम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है 56-57 की ग्रुप सी और 5 नंबर वाला जो मामला अटका हुआ था उसकी हेयरिंग उम्मीद थी कि आज फाइनल हेयरिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली डेट दे दी है कोर्ट ने, जो कि 6 मार्च है। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये जो हेयरिंग है फाइनल होगी और इसमें सभी कैंडिडेटों को जिसका पेपर अच्छा हुआ है उनको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में एक घोषणा की थी 28-29 तारीख से पहले सी ग्रुप के जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जहाँ ये 5 नंबर वाला मामला है ये बढ़ता ही जा रहा है। कुछ रिजल्ट जो पहले भी निकाल रखे थे, जो शायद ऐसी वैकेंसी हैं जो कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें 5 नंबर का मामला अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है केस में, उसमें ऐसा लगता है कि ये 5 नंबर वाला मामला सरकार कैंडिडेटों के हक में या कोर्ट कैंडिडेटों के हक में नहीं देगी। इस मामले पर HSC को फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने दोबारा से, इसलिए ये 6 मार्च दी है। अगर 6 मार्च को ये क्लियर कर देती है सरकार HSC कि ये एक क्या रीज़न था 5 नंबर देने का, अच्छे से बताती है कोर्ट को, तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन 99% ये है कि 5 नंबर वाला मामला 100% खारिज हो सकता है। और 56-57 की जो ग्रुप सी की भर्ती है, ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल हेयरिंग हो, क्योंकि इसके बाद जो है लोकसभा इलेक्शन है और आचार संहिता भी लगनी है, और CM साहब ने घोषणा भी कर रखी है कि सबसे पहले हम ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवाएंगे जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं। उसके बाद जो ग्रुप डी का पोर्टल खुला हुआ है, जिसमें अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट की त्रुटियाँ थी उसमें किसी भी नाम से संबंधित माता पिता जो भी हैं वो चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके अपना ये ठीक करवाएं। ग्रुप डी का भी रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिल सकता है। जैसे सी का रिजल्ट घोषित हुआ तो साथ साथ में ग्रुप डी का भी निकालेंगे। लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइनिंग देनी है हरियाणा सरकार ने कैंडिडेटों को। इस बल पे उन्होंने अपनी वोटों का भी जो है पिटारा आगे लेके जाना है। वोट जॉब के ऊपर ही वोट मिलेंगे, इसलिए ये भर्तियाँ कोट करके भर्तियाँ लेट हो रही हैं। वरना तो हम तो ये मान रहे थे कि ये 3 दिन उन कैंडिडेटों के लिए जो बढ़िया एग्ज़ाम इनका पेपर अच्छा हुआ है, एक खुशी के दिन होंगे ये 3 दिन 27, 28, 29। हम सोच रहे थे कि रिजल्ट पे रिजल्ट आएंगे, बधाइयाँ मिलेंगी, कमेंट आएंगे कि सर ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं हो पाया आज। तो देखते हैं 6 मार्च को, उम्मीद करते हैं कि ये हेयरिंग फाइनल हेयरिंग हो और कैंडिडेट नाराज ना हो। ज़िंदगी में समस्याएं ऐसे चलती रहती हैं, ऊपर नीचे ज़िंदगी में होता रहता है। तो आप 6 तारीख का सिर्फ 1 हफ्ता है वेट करें, शायद अच्छी खबर मिलेगी। तो दोस्तों, वीर सुख ब्लॉग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिलेगा टेलीग्राम का वीर सुख के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए। और अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस की जो पेटिशन डाल रखी थी किसी कैंडिडेटों ने कि ये रद्द हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो CET के लिए अपना मौका मांग रहे थे कि CET का मौका हमें भी दिया जाए, लेकिन CET लोकसभा इलेक्शन के बाद 100% हो सकता है। तो जो एक हरियाणा पुलिस की फिजिकल से संबंधित वीडियो भी हम अपने चैनल पर डालेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं 2.5 किलोमीटर की, वो लगातार वीडियो में बने रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें अपने दोस्तों को नई अपडेट पाने के लिए। फिजिकल से संबंधित
कोई भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट में बताएं, हम जैसे भी आपको किसी भी कहीं भी दिक्कत आ रही है फिजिकल में, उससे संबंधित हम वीडियो बनाएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।